नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट अब निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट के ऑनलाइन फॉरम को अपडेट क्या चल रही है दोस्तों, कब से आपके इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी फ़िलहाल की दोस्तों आप सबके लिए अच्छी अपडेट ये है कि जो राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती थी और LDC भर्ती, इन दोनों भर्तियों को CET से बाहर किया गया है। इसको लेकर खुद उपेन यादव ने दोस्तों बयान दिया है। अब इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों पद के वर्गीकरण को लेकर, क्योंकि वित्त विभाग को फाइल भेजने से पहले दोस्तों वित्त विभाग ने यहाँ पर दोस्तों पदों का वर्गीकरण करने को लेकर कहा है। और बोर्ड पदों का वर्गीकरण करने के बाद कैटेगरी वाइज, जिला वाइज, इसके बाद आपकी विज्ञप्ति है वो आपकी बोर्ड के पास भेजेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, क्या परीक्षा तिथि रहेगी 2200 प्लस पदों के बारे में, योग्यता उम्र सीमा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के सिलेबस को लेकर मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। सिलेबस में दोस्तों जो नवीनतम सिलेबस है उसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 450 नंबर के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आपके दो पेपर इसमें होंगे, एक और पेपर होगा दोस्तों उसका सिलेबस भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी दोस्तों आपका 150 क्वेश्चन आएंगे और 450 नंबर के आपके दोस्तों यहाँ पर जो है पेपर रहने वाला है। दो पेपर होंगे राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की। यहाँ पर मैं बात करूँ योग्यता के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें 2200 पद रहेंगे, 2200 में तहसील राजस्व लेखाकार के आपके 300 पद रहेंगे दोस्तों और कनिष्ठ लेखाकार के 1900 पद रहेंगे। इस प्रकार से ये भर्ती दोस्तों 2200 पदों पर की जाएगी और इसमें आपके पास ग्रेजुएशन या फिर दोस्तों आप फाइनल ईयर के छात्र हो सकते हैं और RSCIT कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी कुछ क्वालिफिकेशन है जो आपको इसमें चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर में उच्च डिग्री भी होना आपके पास अति आवश्यक है या फिर RSCIT कंप्यूटर होना ज़रूरी है। अगर मैं इसकी दोस्तों बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म दोस्तों आपके पहले जून माह में अपडेट थी कि जून में इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है बोर्ड, लेकिन अब दोस्तों जुलाई में नोटिफिकेशन जारी होगा। इसकी एग्जाम डेट सितंबर में 2022 में प्रस्तावित है, लेकिन सितंबर में पेपर का आयोजन नहीं हो पाएगा दोस्तों, नवंबर तक ये भर्ती जा सकती है। ये CET से बाहर हो चुकी है भर्ती, जैसा कि दोस्तों ओपन यादव ने बताया है, और LDC भर्ती भी बाहर हो चुकी है। भले दोस्तों CET को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया है, उसकी विज्ञप्ति आपको जुलाई में ही देखने को मिल जाएगी। तो आप इसमें आवेदन लगा सकते हैं दोस्तों। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती काफ़ी अच्छी भर्ती रहेगी, इसमें कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के अलग अलग पद रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जैसे कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।